एजुकेशन डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मशीन के एमसीक्यू को डिस्कस कर रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थ्री फेज स्क्वायर केज प्रेरणा मोटर की स्पीड कंट्रोल विधि है? पहला ऑप्शन है प्लगिंग विधि, सेकेंड है ध्रुव परिवर्तन विधि, थर्ड है अपकेंद्रीय क्लच विधि, फोर्थ है स्टार डेल्टा स्विच विधि। तो थ्री फेज जो स्क्वायर केज जो इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो रोटर कंडक्टर होते हैं वो शॉर्ट सर्किटेड होते हैं थ्रू इन रिंग, जिसके वजह से वहाँ पर हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं लगा पाते हैं, जिसके वजह से इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है लो होता है कंपेयर टू स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, और इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, हम रेसिस्टेंस को वेरी करके, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाकर रेसिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। लेकिन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में दो ही तरीके से स्पीड को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि एन एस जो है वो इक्वल होता है 120 f/p। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगा, और पोल को चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज होगा। तो यहाँ पर दो ही तरीके से हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग छह तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेंज करके कर ही सकते हैं, पोल चेंज करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर अप्लाइड वोल्टेज के वोल्टेज को वेरिएशन करके स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर रेसिस्टेंस के वेरिएशन से हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो है लास्ट जो है वो है रोटर में ईएमएफ इंजेक्ट करके हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे छह तरीके से हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, लेकिन स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर में हम दो ही तरीके से स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है, ध्रुव परिवर्तन विधि मतलब पोल चेंजिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दृष्ट धारा मोटर मीन्स डीसी मोटर आभार पर 1140 rpm गति से चल रही है, पूर्ण भार का आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मुख्य फ्लक्स 5% कम हो जाता है, जबकि आर्मेचर परिपथ वोल्टता हार्श 10% है। मोटर के पूर्ण भार चाल क्या है, मतलब बोल रहा है फुल लोड स्पीड मोटर की क्या है। तो हमें नो लोड स्पीड पता है, नो लोड स्पीड है 1140 rpm। ठीक है, लेकिन जैसे हम फुल लोड कर रहे हैं तो आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से फ्लक्स जो हमारा 5% डिक्रीज कर जा रहा है, मीन्स अब हमारा जो फ्लक्स है 95, और आर्मेचर परिपथ वोल्टता हार्श जो है 10%, मतलब वोल्टेज ड्रॉप हुआ है I×R, जो वोल्टेज ड्रॉप है वो हमारा है 10% है। ठीक है, तो अगर ये 10% है तो EB=2 होता है V-, क्योंकि मोटर है तो V-IA आ रहे। ठीक है, तो ये जो लॉस है वो हमारा क्या हो रहा है, फुल लोड पर 10% है। ठीक है, तो पहले तो आई जो आर्मेचर करंट थी वो जीरो थी, क्योंकि नो लोड कंडीशन में था, तो उस समय EB=V था। ठीक है, अब ये जो हमारा 10% वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, जिसके वजह से अब जो हमारा EB है वो 10% डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बैक EMF जो है वो 10% डिक्रीज कर जाएगा, तो अगर पहले 100 था तो अब 19 EB होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एंड IT प्रोपोर्शनल टू होता है EB/φ। ये कहाँ से आता है, EB=2 होता है φZnP/A×60, जहाँ पर ये 60 A P ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, जेड भी कॉन्स्टेंट होते हैं। तो अगर मैं मान लूँ K=Z ZP/A×60, तो EB हो जाएगा K φN। ठीक है, तो EB·DT=2 हो जाएगा φN, तो N·DT=2 होगा, N·DT=2 EB/φ। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्मूला के जरिए ये आया N·DT=EB/φ। ठीक है, तो पहले जो मेरा N था वो था 1, नो लोड कंडीशन में जो स्पीड 140 था। ठीक है, उस समय EB बैक EMF जो था वो EB था और फ्लक्स भी φ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही फुल लोड कंडीशन में आया, नो लोड कंडीशन में N जो था 1140 था और EB था और φA था। ठीक है, पहला
नो लोड कंडीशन में। सेकेंड में क्या होता है, जब स्पीड फुल लोड स्पीड, जब फुल लोड कंडीशन में फुल स्पीड इक्वल टू, क्योंकि बैक ईएमएफ जो वोल्टेज वो 10% डिक्रीज कर गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 90.90 EB, ठीक है। और फ्लक्स जो है वो हो जाएगा 0.955, ठीक है। अभी दोनों को इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड करते हैं, तो आएगा 1140 डिवाइडेड बाय NF1, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे EB डिवाइडेड बाय 5 × 0.95, 5 / 0.90 EB, ठीक है। 5 कैंसिल, EB कैंसिल, देन NF1 फुल लोड जो करंट, फुल लोड स्पीड जो होगा वो होगा 1140 × 90/95, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको सॉल्व करने में आ रहा है 1080 RPM। तो फुल लोड जो हमारा स्पीड है वह है 1080 RPM, हमारा यहाँ पर आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक मोटर मतलब सिंक्रोनस मोटर में यदि नो लोड पर आर्मेचर में उत्पादित पश्च विद्युत वाहक बल आरोपित वोल्टता के लगभग बराबर होता है, तो मतलब ये जो पश्च विद्युत वाहक बल जो है वो बैक ईएमएफ है, ठीक है, ईबी, और ईबी जो है आरोपित वोल्टेज जो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके लगभग बराबर हो जाए, मतलब ईबी इक्वल टू वी हो जाए, तो पहला ऑप्शन गिवेन है अधिकतम टॉर्क उत्पादित होगा, सेकेंड है उत्तेजना 0% कही जाएगी, थर्ड है उत्तेजना 100% कही जाएगी, फोर्थ है मोटर पूर्णतया भारित कहा जाएगा। तो उत्तेजना जो हमारा बैक ईएमएफ जो है वो इक्वल टू वी है, मतलब जितना हम अप्लाइड वोल्टेज दिए उतना ही हमें बैक ईएमएफ मिला, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो IARA जो ड्रॉप है वो हमारा जीरो है, ठीक है। तो ये तभी हो सकता है जब हमारा लॉसेज जो है जीरो हो जाएगा, मतलब रेसिस्टेंस जीरो है, तो रेसिस्टेंस जीरो है मीन्स हमारा लॉसेज जो होता है वोल्टेज ड्रॉप है वो जीरो हो गया, जिसके वजह से जो एक्साइटेशन है जो उत्तेजना है वो 100% हो जाती है, जितना हमें अप्लाइड वोल्टेज दिए उतना ही हमें मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, उत्तेजना 100% कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एकल फेज मोटर एक चक्कर प्रति मिनट के समान निम्न गति के साथ उपलब्ध है, बोला कौन सा ऐसा सिंगल फेज मोटर है जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है 1 मिनट में, ठीक है, मतलब एक रोटेशन वो कंप्लीट करता है 1 मिनट में, तो वो किस टाइप कौन सा मोटर है। पहला ऑप्शन है हिस्टेरेसिस, सेकेंड है यूनिवर्सल, थर्ड है शेडेड पोल, फोर्थ है रिलक्टेंस। फर्स्ट ऑप्शन है हिस्टेरेसिस, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस जो मोटर होता है उसका जनरली हम यूज करते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी वाइंडिंग नहीं होने की वजह से, रोटर में वाइंडिंग नहीं होने की वजह से इसमें फ्रिक्शन नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता है और नॉइज नहीं होता है, जिसके वजह से हम इसको यूज करते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए। यूनिवर्सल मोटर है जिसकी स्पीड 5000 RPM होती है, 5000 RPM होती है नॉर्मल ऑपरेशन में, इसका यूज हम लोग करते हैं मिक्सर के लिए या फिर वैक्यूम क्लीनर, ये सब में हम यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। फिर शेडेड पोल मोटर जो है इसका हम यूज करते हैं टॉय बनाने के लिए, खिलौने बनाने के लिए, ये सब सारे कुछ बनाने के लिए, मतलब स्मॉल मशीन बनाने के लिए हम शेडेड पोल मोटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर शेडेड पोल मोटर ही ऐसा मोटर है जो एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर कंप्लीट करता है 1 मिनट में, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, शेडेड पोल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी जनित्र में कम्यूटेटर है, डीसी जनित्र में कम्यूटेटर पर लगे ब्रशों का अपनी ज्यामितीय उदासीन स्थिति से बदलने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बोरा जो डीसी जनरेटर होता है तो उसमें जो कम्यूटेटर में जो ब्रश लगे होते हैं वो जो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस से, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल जो एक्सिस होता है उस स्थान में नहीं होते हैं, अलग स्थान में होते हैं, वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में होते हैं। ऐसा क्यों होता है, होता क्या है कि जो ज्योमेट्रिकल जो ज्यामितीय उदासीन जो स्थिति होता है, एक होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, एक होता है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, दोनों ही एक ही स्थान में होते हैं, ठीक है। लेकिन जब आर्मेचर रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है कि न्यूट्रल जो होता है हमारा, मैग्नेटिक न्यूट्रल जो एक्सिस होता है वो थोड़ा
शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है, वो जो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होता है वहाँ पर जो ईएमएफ होते हैं वो जीरो होते हैं, इसीलिए हम ब्रश को मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में रखते हैं ताकि स्पार्किंग को रिड्यूस कर सकें। इसीलिए जो हमारा ब्रश है ज्यामितीय उदासीन स्थिति पर नहीं होता है, वो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पर होता है ताकि हम स्पार्किंग को रोक सकें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्पार्किंग को के रोकथाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिकला प्रेरण मोटर में वायु अंतराल शक्ति, रोटर ताम हानियाँ तथा उत्पन्न यांत्रिक शक्ति का क्रमशः अनुपात है। तो ये जो हमारा है एयर, ये हमारा एयर गैप पावर है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं, एयर गैप पावर को ही बोलते हैं वायु अंतराल शक्ति, जिसको हम डिनोट करते हैं पीजी से, ठीक है। और ये जो हमारा ताम हानिया मतलब कॉपर लॉस, जिसको डिनोट करते हैं पीसी से, और जो हमारा उत्पन्न जो होता है यांत्रिक जो शक्ति होता है उसको डिनोट करते हैं पीएम से, मैकेनिकल पावर। तो एयर गैप जो पावर होता है जिसको हम बोलते हैं रोटर इनपुट पावर, ये होता है 3I² R/S, जिसको हम बोलते हैं PC/S, मतलब कॉपर लॉस डिवाइड बाय एस। तो यहाँ पे PG/PC का जो रेशियो आएगा वो होगा 1/S, ठीक है। और रोटर इनपुट पावर या फिर एयर पावर को हम बोलते हैं मैकेनिकल पावर प्लस कॉपर लॉस, ठीक है। अब एयर गैप पावर और मैकेनिकल सॉरी कॉपर लॉस को एक जगह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा PG-PC=PM, और PG को हम लिख सकते हैं PC/S, और सॉरी यहाँ पर -PC=PM, ठीक है। अब PC कॉमन लेते हैं तो हमारा आएगा 1/S-1=PM। तो PC/PM का जो रेशियो होगा वो होगा S/1-S, या फिर इसको लिख सकते हैं PM/PC=1-S/S, ठीक है। तो यहाँ पर पीसी में दोनों ही कंडीशन में पीसी में एस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा वो होगा, क्योंकि पीजी अनुपात पीसी अनुपात अनुपात पीएम इक्वल टू हो जाएगा 1/S/1-S। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, 1/S/1-S, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। बोला सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसमें डैम्पर वाइंडिंग हम क्यों प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है पावर फैक्टर में सुधार लाने के लिए, सेकेंड है दक्षता में सुधार लाने के लिए, सुधार करने के लिए मीन्स इफिशेंसी में, थर्ड है रिलेक्टेंस टॉर्क का निर्माण करने के लिए, फोर्थ है हंटिंग दोष को कम करने के लिए। तो फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो हो डैम्पर वाइंडिंग हम हंटिंग दोष को कम करने के लिए यूज करते हैं। तो हंटिंग दोष होता है क्या है, जैसे रोटर है, क्योंकि जो स्टेट सॉरी सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं और रोटर में विद द हेल्प ऑफ डीसी सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से रोटर सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है, तो लोड के वेरिएशन की वजह से क्या होता है, रोटर में वाइब्रेशन होता है, उस वाइब्रेशन की वजह से हंटिंग इफेक्ट ऑकर होता है। इस हंटिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग डैम्पर वाइंडिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक श्रेणी डीसी मोटर मतलब सीरीज डीसी सीरीज मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध इतना है, ठीक है, और श्रेणी क्षेत्र प्रतिरोध 0.08 है, जो 400 वोल्ट विद्युत सप्लाई से संयोजित की जाती है, यदि मोटर लाइन धारा 20 एम्पियर तथा 1100 RPM की गति से घूर्णन कर रहे हैं, जब लाइन धारा का मान 50 एम्पियर है हो तथा विद्युत सप्लाई के मान में 30% की वृद्धि की जाए, तो मशीन की गति आरपीएम में कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक डीसी सीरीज मोटर है जिसमें आर्मेचर जो रेसिस्टेंस है वह है 0.06, ठीक है, और फील्ड रेसिस्टेंस जो है सीरीज फील्ड रेसिस्टेंस वह है 0.08, ठीक है। और वोल्टेज जो अप्लाइड किया जा रहा है, क्योंकि मोटर है तो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो वो है 400 वोल्ट, और लोड करंट जो है हमारा लाइन करंट वो है 220 एम्पीयर, ठीक है, और स्पीड है 1100 RPM, ठीक है। अब बोल रहा है कि हम जब 50
15 एम्पियर करंट दे रहे हैं लाइन में, ठीक है, और जो हमारा सप्लाई है उसको हम 30% और इंक्रीज कर दे रहे हैं। मान लीजिए पहले 400 था, तो अब 400 प्लस 400 इंटू 30/100, तो मीन्स हमको मिलेगा 520 वोल्ट, ठीक है। मतलब तो वोल्टेज जो हम क्या किए, इंक्रीज कर दिए 30%, और करंट लाइन करंट जो हमारा है वो है 50 एम्पियर। तो अब मुझे स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन, जब हमारा लोड लोड करंट जो था या फिर लाइन करंट जो था वो 20 एम्पियर था, तो उस समय हमारा ई किया था, तो ई होगा 400 माइनस आई आर ए, 20 इंटू आर ए में हमारा हो जाएगा आर्मेचर करंट प्लस, सॉरी आर्मेचर रेसिस्टेंस प्लस फील्ड रेसिस्टेंस, क्योंकि आर्मेचर रेसिस्टेंस और फील्ड रेसिस्टेंस जो है दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे। यहाँ पर टोटल आएगा 0.14, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 400 माइनस 2.8, ठीक है, तो आंसर आएगा 397.2 वोल्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन, जब नेक्स्ट जो हमारा वोल्टेज को इंक्रीज कर दे रहे हैं और करंट को भी इंक्रीज कर दे रहे हैं, तब हमारा ई का वैल्यू होगा, क्योंकि हमारा रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट रहेगा दोनों ही कंडीशन में, ठीक है, तो यहाँ पर होगा 520 माइनस 50 इंटू 0.14, यहाँ पे आएगा 520 माइनस 7 इक्वल टू 513 वोल्ट, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में ई पता चल गया। हम क्या जानते हैं, स्पीड इक्वल टू होता है, सॉरी स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ई बी बाई फाइ, ठीक है। और जो सीरीज मोटर होता है उसमें फ्लक्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो हम फ्लक्स की जगह पर करंट रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स का कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है, दैट्स व्हाई हम यहाँ फ्लक्स की जगह पर करंट कंसीडर करेंगे।